नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और गुड न्यूज टुडे पर उत्सव के तमाम रंग समेटे एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। तो उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के मशहूर रामलीला लव कुश रामलीला के तमाम किरदार इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका परिचय आइए सीधे बिना देर किए करवाते हैं। प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी से रावण भी आ रहे हैं, इंतजार करिएगा। श्री राम और सीता, हे सीते, यदि तुम मेरा कहना मानती हो तो मेरा वचन मानकर तुम यहां अयोध्या में ही रहो और एक सास ससुर की सेवा जो कि स्त्री का धर्म होता है उसे निभाओ। सीते, वन प्रस्थान मैं अकेले ही कर लूंगा और तुम इतनी कोमल हो, ये वन तुम्हारे योग्य नहीं है और यहां बहुत से राक्षस हैं। हे प्राणेश्वर, जिस प्रकार सूर्य धूप को और वृक्ष छाया को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती हूं। हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है, मुझे अपने साथ लेके चलिए। और वैसे भी अगर एक सिंहनी अपने सिंह के साथ है तो फिर भय किस बात का? यदि मैं कोमल हूं तो आप क्या कठोर हैं? प्रभु राम, मैं आपकी अर्धांगिनी, आपके साथ ही रहना चाहूंगी। ठीक है सीता। तो ये मंचन सीधे आप गुड न्यूज टुडे पर सीधे देख रहे हैं और आपको बता दे थोड़ी देर में लाइव मंचन भी ये करने वाले हैं लव कुश रामलीला के मंच पर। लेकिन लक्ष्मण हमारे साथ है और लक्ष्मण वो भाई जो आज तक त्रेता युग से आज तक आप ही की मिसाल दी जाती है और कहा जाता है कि अगर भाई हो तो वो लक्ष्मण जैसा। प्रभु श्री राम के लिए दो शब्द। जय श्री राम, मेरे आराध्य हैं प्रभु श्री राम। जय सीता माता। हे माता जी, हमें आज्ञा दी तो हम कुछ करें उपाय। देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय, वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक। रामराज की परिकल्पना आज भी वैसे ही की जाती है जैसे कि त्रेता युग में की जाती थी। हनुमान, ये वो वीर हनुमान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके स्मरण मात्र से प्रभु श्री राम जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रभु श्री राम के लिए ये हनुमान क्या कहेंगे? पहले तो मैं कहना चाहूंगा जय श्री राम। मैं तो इन्हीं राम का सेवक हूं और मैंने पूरी अपनी जिंदगी राम जी के चरणों में ही बिताई है और इनके प्रत्येक कार्य में साक्षी रहकर और प्रत्येक कार्य को आगे तक इसको संपूर्ण किया है। तो मैं यही छोटे शब्दों में कहना चाहूंगा, जहां जहां श्री राम जी हैं वहां वहां हनुमान जी। और कहते हैं कि राम काज किन्हे बिना मोही कहां विश्राम, यही बात कही गई है आपके लिए। और प्रभु श्री राम के बारे में क्या कहने, माता सीता के बारे में क्या कहना, तो पूरे नवरात्र आप इसी तरह से गुड न्यूज टुडे पर तमाम रंग देखते रहेंगे। साथ ही साथ रामलीला के रंग तो होंगे ही, उत्सव के तमाम रंग भी आपके सामने हम इसी तरह से पेश करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर चूंकि तमाम ये कलाकार चूंकि मुंबई से आए हैं, आप लोग टीवी कलाकार हैं, और प्रभु श्री राम अभी अभी मुझे पता चला कि शायद आप पहली बार श्री राम के किरदार में हैं। हाँ, रामलीला में पहली बार कर रहा हूँ। मैं श्री राम का किरदार निभा चुका हूँ पहले। कलर्स के ऊपर एक शो आता था कोविड से पहले, राम सिया के लव कुश। हाँ, तो उसमें राम मैंने ही प्ले किया था। तो ये पहली बार लेकिन आप लाइव मंचन इस तरह से आप करने वाले हैं। तो ये बताइए, देखिए बाकी कैरेक्टर्स आपने भले ही और प्ले किए हो और जब टीवी पे करना होता है तो वो एक अलग ढंग का होता है, जब लोगों के सामने आप करते हैं इस तरह से इनैक्ट करते हैं प्रभु श्री राम के वेशभूषा में, तो उस वक्त आपके मन में आपके जहन में क्या रहता है? एज एन एक्टर अगर मैं बात करूं तो हमारा काम होता है कि हम किसी भी किरदार को निभाएं तो पूरे दिल से निभाएं और जो कुछ कह रहे हैं उसके अंदर उतनी ही पॉजिटिविटी हो, प्योरिटी हो, जो भी आप डायलॉग कहना चाह रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है कि सामने दर्शक बैठे हैं तो हम कुछ अलग एक्टिंग करेंगे, टेलीविजन है तो कुछ अलग करेंगे। तो हमें अपने दिल से सब परफॉर्म करना होता है और आई थिंक वही परफॉर्मेंस लोगों के दिल तक पहुँचती है अगर आप दिल से परफॉर्म करते हो तो। बिल्कुल। माता सीता,
आप कुछ कहिए, इस किरदार को निभाने में आपको कितनी मेहनत लगी है, क्योंकि वो स्क्रिप्टिंग होती है, कई सारी चीजें, आपको कब तक स्क्रिप्ट्स मिल जाते हैं और फिर उसे रेडी करना होता है और साथ ही साथ ये गेटअप। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं थिएटर से ही हूँ, मैं थिएटर स्क्रीन में जुड़ने से पहले मैं थिएटर से ही हूँ, और माँ सीता का किरदार मैं काफ़ी बार निभा चुकी हूँ, क्योंकि मैं, मेरा एक प्ले है जय श्री राम, तो उसमें भी मैं माँ सीता का ही किरदार निभा रही हूँ। क्या बात है। और थिएटर में और स्क्रीन में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई रीटेक नहीं होता है। हाँ। तो डेफिनेटली हम लोगों को जो स्क्रिप्ट्स मिलती हैं कम से कम 4 से 5 महीने पहले मिलती हैं, और हम उसको पूरी तरह से प्रिपेयर करते हैं अपने कैरेक्टर में आने के लिए, उस सोल में आने के लिए, तो मेहनत बहुत है। अब यही है कि बस लोग हमें देखें और बहुत सारा प्यार और बहुत आशीर्वाद दें। लक्ष्मण, आप अपने कुछ शेयर करेंगे उस समय प्रैक्टिस के दौरान के मोमेंट्स, और एक बात और ये भी जानना चाहेंगे, बहुत जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, कि आप लोगों के कई ऐसे सीन्स हैं जो साथ के होते हैं, तो क्या उस वक्त जब आप रिहर्सल कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी आप लोग साथ में होते हैं, एक साथ मिलकर रिहर्सल करते हैं, या फिर अलग अलग अपने स्क्रिप्ट्स रिवाइज करते हैं? जी, सबसे पहले तो स्क्रिप्ट अलग अलग पढ़नी पड़ती है हम लोगों को अपने अपने लेवल पे, उसके बाद फिर हम सब लोग मिलके रिहर्सल करते हैं, और वो रिहर्सल कहीं टाइम तक चलती है, क्योंकि जैसा कहा गया कि लाइव स्टेज शो है और हमें कट नहीं मिलेगा उसमें, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अपने आप को पक्का करना पड़ता है। तो ऐसा मन में कहीं डर लगता है कि अगर बीच में मैं कुछ भूल गया तो फिर क्या होगा? तो ऐसे में हमारा टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। एक हमारा जो जिस तरीके के रिहर्सल हमने पहले किया, ऐसा कई बार होता है थिएटर में, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं कि आप एकदम भूल गए किसी उसको, तो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उसको कवर अप कर लें, लेकिन सामने ऑडियंस को पता ना चले। अच्छा, तो ऐसा आप लोगों के साथ, चूंकि आपने कहा कि आपने पहले भी प्ले किया है, थिएटर आप करती रही हैं, तो ये बताइए कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि जब आप ये श्री राम के किरदार को आप जब ये निभा रही थी, सीता माता के किरदार को आप निभा रही थी, जब ये रोल प्ले कर रही थी, उस समय कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि आप भूल गई और लोगों को पता चल गया? एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ है, भगवान की बहुत कृपा रही है, क्योंकि जब मेरा प्ले भी स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो उससे पहले हम स्टेज रिहर्सल्स करते हैं, और उसके बाद बहुत मतलब हमारी जो रिहर्सल्स का कोई काउंट ही नहीं है, हम कितनी बार करते हैं, कई बार सुबह से शाम तक, और हमें इवन बिहाइंड द स्क्रीन ऑल्सो हम उस कैरेक्टर में ही रहते हैं, तो अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है एक्सपीरियंस जहाँ मैं भूल जाऊँ। राम भक्त हनुमान, आप ये बताइए कि एक तो ये गेटअप अपने आप में, इस गेटअप में भी रहना, क्योंकि इसका अपना एक वेट होता है, तो वो ये इतना आसान नहीं होता है लेकर के रखना, जो टेलीविजन पे लोग देख रहे होते हैं उनको लगता है कि शायद बहुत आसान होता है ये गेटअप, लेकिन ये जितने भी गेटअप में ये लोग आए हैं वो बहुत ही हैवी है, और लंबे समय तक इस गेटअप में डायलॉग डिलीवर करना, कई बार गर्मी होती है, स्वेटिंग होती है, बहुत तरह की दिक्कतें होती है, आपको कभी कोई ऐसी परेशानी महसूस हुई? जब कहा गया कि हनुमान जी राम जी के सेवक हैं, चाहे वो ड्रेस कितनी भी भारी हो, वो राम जी के प्रत्येक कार्य में वो ड्रेस बहुत लाइट वेट हो जाती है, जब हनुमान जी पहाड़ लेके आए थे, वो कितना विशाल पहाड़ था, बस एक जय श्री राम, मतलब वो राम भक्त थे, तो एक जस्ट मतलब राम नाम लेते ही वो पहाड़ मतलब एक तुष तिल्ली के समान हो गया, तो जब उतना पहाड़ लिया तो ये ड्रेस तो मुझे नहीं लगता है कुछ नहीं, आप जो जैसी बात कर रहे हो तो बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप बात हो गई, जो कि हम सुनते हैं ऐसा कि भगवान राम का नाम लिया और पहाड़ बिल्कुल एकदम रुई के पहाड़ की तरह हो गया और वो उठा के लिया, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? सच्चाई बताइएगा, झूठ मत बोलिए। कुछ छोटा सा बोलना चाहूंगी कि ये जो हमारा कॉस्ट्यूम है या ये जो कैरेक्टर है, इसमें एक अलग ही तरीके की पावर है, एनर्जी है, जब आप इसको धारण करते हैं ना तो आपके अंदर कुछ और ही शक्ति आती है। क्या बात। तो शायद मुझे लगता है कि राम सीता लक्ष्मण इन नामों में ही इतनी पावर है कि सब ऊपर वाले संभाल लेते हैं। तो एक धनुष उठा करके दर्शकों के सामने एक श्री राम का एक डायलॉग पूछा कुछ, ये मैं वो कर रहा हूँ जिसमें मैं दशरथ जो हमारे पिताजी उनके धनुष देता हूँ, मुकुट देता हूँ और बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक वचनबद्ध है, रघुकुल हमेशा इसीलिए माना जाता है क्योंकि अगर उन्होंने एक बार वचन दे दिया तो निभाना ही होता है, नहीं पुत्र आप नहीं जा सकते हो, माता कैकेयी से मैं बात कर लूंगा, तब वो अपने पिताजी को धनुष देते हुए बोलते हैं कि पिताजी आप ही ने सिखाया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, फिर ये उन्हें सौंपता है और उसके बाद
उनके पिताजी भी कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा धर्म है हमें हमारी प्रजा की रक्षा करना, परिवार से पहले हमारी प्रजा है, और हमारे जो गुण हैं जो एक पिता ने अपने पुत्र को सिखाया है कि अगर किसी भी वचन का पालन करते हो तो उसकी पूर्ति करना आपका ध्येय है, आपका लक्ष्य है। बिल्कुल। और ये रामायण जैसा कि आपको पता है रावण के बिना जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो हम क्या रावण को बुला सकते हैं? प्रकांड पंडित रावण खुद यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ रावण आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखिए ये जो किरदार है अपने आप में, आप चाहे जो कहें, क्योंकि रामायण को हमने पढ़ा है और जो रामायण को पढ़ा है रामायण को जानता है वो ये जानता है कि ये सिर्फ हम कहते हैं ना नेगेटिविटी और उसकी मूर्त नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़े प्रकांड पंडित रहे हैं और इसीलिए इनकी कई जगह उपासना भी की जाती है। हालांकि माइक की थोड़ी सी समस्या यहाँ पर है, लेकिन अगर अगर कुछ इनके माइक से कैच कर पाए आप एक बार, आपका जो फेमस रहा है, आपकी जो हंसी जो रही है बड़ी लोगों को पसंद आती रही है, उससे शुरुआत करें। एको हम दूजो नास्ती, ना भूतो ना भविष्यति, कहा है स्वर्ग की पद्मी मेरे दरबार के आगे, मेरे ही रंग में रंग जाए, मेरे वीर बहादुर योद्धाओं नृत्य का आयोजन किया जाए। क्या बात है। तो प्रभु श्री राम की जैसे आराधना होती है, रावण की भी आपको बता दे कई जगह आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। हालांकि जो कृत्य हुआ था रामायण में उसके पीछे की भी एक कथा है, वो आप जब देखेंगे लवकुश रामलीला पूरी तो आपको उसमें समझ में आएगी। लेकिन फिलहाल चलते चलते कुछ और अगर आप लोग एक इनैक्ट करके कुछ कोई सीन अगर दिखा पाए। वैसे आपका पसंदीदा प्रसंग कौन सा है जो हमने इनैक्ट किया था? हाँ। क्योंकि वो वही टाइम होता है जब राम और सीता बिछड़ने वाले होते हैं, वो वहां से वनवास जाते हैं वापस आते हैं, उसके बाद मेरे को लगता है राम और सीता हम साथ रहे ही नहीं वनवास में भी और हाँ। वो भी ये भी है। हाँ, उसके पहले हमारा ऐसा कुछ है नहीं, मतलब जो प्रसंग रामलीला में राम और लक्ष्मण के बीच का कोई प्रसंग, राम और लक्ष्मण के बीच में लक्ष्मण ही बोल रहा है, राम बोलता है शांत हो जाओ, क्योंकि ये इतना अभी हम थोड़ा लाइट मोड में बात कर रहे हैं ना। ये लक्ष्मण वो भाई है जिसको क्रोध बहुत आता है और उस क्रोध को शांत करने के लिए श्री राम जी यही करते रहते हैं। लक्ष्मण अच्छा तू कुछ बोल, मैं शांत करूं। मैं एक इसमें बोल देना चाहूंगी कि हमारा जो एक प्रसंग होता है जिसमें अभी हमने किया भी है उसको इनैक्ट, इसके अलावा भी एक छोटा सा प्रसंग होता है जिसमें सिर्फ सीता क्योंकि नहीं चाहते हैं ये साथ में जाना, तो सीता एक बार और बोलती है, और ये जब पहली बार आके बताते हैं श्री राम की हमको वनवास मिल गया है, तो शादी के बाद जो घर आपको मिलना चाहिए था अभी वो नहीं है, हमें सीधा वनवास के लिए जाना है, तो उस पे माँ सीता बोलती हैं कि वनवास दिया है माता ने तो इसमें कोई दोष नहीं, जो सीमाओं में घिर जाए वो हो सकता आलोक नहीं, रघुकुल की याद निभाओ तुम मैं पत्नी धर्म निभाऊंगी, हर पग मैं साथ तुम्हारे हूं मैं साथ वनन को जाऊंगी, एक पत्नी व्रत का स्वामी ने संकल्प लिया था याद रहे, जीवन भर साथ निभाने का जो वचन दिया था याद रहे, हम जिस बंधन में बंधे नाथ उन सबको तुम याद करो, अपनी शरण में ले लो नाथ मुझे अपने साथ ले चलो। क्या बात है। और मुझे लगता है जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जब आप रामलीला का मंचन देखेंगे तो कई लोग जो वहां श्रद्धालु बैठे होते हैं उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप लोगों ने भी ये चीज मार्क किया है जी, देखा जी, है जी, जी। रोने लगते हैं लोग वहां पर बिलक बिलक छूते हैं, और उस वक्त हम हैं तो राम सीता के गेटअप में और वो इमोशंस भी है, बट एक बहुत अजीब सा लगता है और मतलब अपने ऊपर बहुत गर्व होता है कि शायद भगवान ने हमें चुना, उनकी कृपा है, उनकी कृपा है जो हम हमें सीता का और आपको लक्ष्मण और राम का मिला है। तो लंकापति रावण अपने मुखमंडल से अगर आप कुछ कहना चाहे आज, क्योंकि आज आपका परफॉर्मेंस भी है, आज से शुरुआत हो रही है लवकुश रामलीला की। सबसे पहले तो मैं लवकुश कमेटी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जो जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है, अर्जुन जी को और हमारे डायरेक्टर परवेश कुमार को जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और मैं कई मतलब कई लगभग कई सालों से मैं ये कर रहा हूँ, और आपका जो आप जो प्रसंग उसमें कई प्रसंग हैं, ये बताइए कि जब आप माता सीता को हर के ले जाते हैं
उस समय का कोई ऐसा डायलॉग है जो आप बोल पाएंगे, या फिर जब आप भिक्षा मांगने के लिए आते हैं वो प्रसंग यहाँ हम कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आप जरा इस तरफ आ जाएं माता सीता, हाँ यहाँ पर आप इधर आ जाइए, रावण आप इधर आ जाइए। हे माई हमको भिक्षा दे, मर्तवा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल वाला तेरा, तू दूधो ना है तू पूतो भले, तू दिन प्रतिदिन बड़ बागिन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी देवी तू अटल स्वागन हो। ये लीजिए योगी जी आपकी भिक्षा। सीते सीते तू हो जा सावधान, तू लंका अधिपति रावण के बस में है। रावण इतना बड़ा अन्याय, तुझे मालूम नहीं है मेरे स्वामी अभी आएंगे और तेरा सर्वनाश कर देंगे। तू भूल मत तू कहां किस जगह पर खड़ा है, बस मेरे स्वामी का आह्वान होने दे, फिर तू अपनी दुर्दशा देखना, तेरा क्या अंजाम होगा तुझे खुद का भी नहीं पता होगा। मैं लंकाधिपति वारम, तुम मुझे नहीं जानते, मैंने अपने शीशों को काट काट शंकर को पूजा है। रावण के मन में श्री राम के लिए किस तरह की भावना थी? ये तो बहुत कि जैसा आपने बोला कि रावण प्रकांड पंडित था, बहुत तेजवान था, बहुत बड़ा भक्त था, वो सबसे बड़ा भक्त था। जब मैं एक बार प्रसंग पढ़ रहा था कहीं, जब मैं रामायण कर रहा था राम से लव कुश, तो जब मैं सुन के थोड़ा सा मैं मेरे को लगा और पढ़ना चाहिए इसको, तो मुझे बाद में पता चला कि रावण के जो 9 सर थे वो तो मतलब जो एक मनुष्य के अंदर जो सीख होनी चाहिए जैसा उसे बनना चाहिए वो सारे थे। बहुत बड़ा ज्ञाता था, बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन जो अहंकारी उसका सर था जिसकी वजह से उसे वध हुआ, उसके बाद राम जी ने उसके लिए पश्चाताप भी किया था कि मेरे को तेरे अहंकार के सर को काटने के लिए बाकी के जो 9 सर काटने पड़े मैं उसके लिए पश्चाताप करूंगा। लक्ष्मण के बारे में हमेशा कहा जाता है, ये खुद भी कह रहे थे कि हमेशा गुस्से में रहते थे, इसलिए इनके डायलॉग्स भी उसी तरह के हैं। एक डायलॉग कुछ अगर आप सुना पाए उस तेज के साथ। लक्ष्मण ये आवाज सुनी, ये तुम्हारे भ्राता की आवाज है, तुम जल्दी जाओ और उनको लेके आओ, मुझे लगता है कि वो किसी कष्ट में है, जाओ। हे मां आप ये क्या कह रही हैं? मुझे भैया आपकी जिम्मेदारी देकर गए, मैं आपको छोड़कर यहां से नहीं जा सकता, कदापि नहीं जा सकता। मां आज समझ में आया कि तुम्हारा ये भ्रात धर्म स्वार्थ का था, एक दुश्मन से बड़ा कुछ नहीं और एक भाई से बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं हो सकता। भाई तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम्हारे भ्राता कष्ट में है, जाओ, मैं तुम्हारी विनती करती हूं, मेरे पति को जाकर बचाओ। जो आज्ञा माता, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगी, इस रेखा से आप बाहर नहीं आएंगी। जाओ लक्ष्मण, मैं इस रेखा से आगे नहीं आऊंगी, तुम जाओ। जो आज्ञा। क्या बात है, बहुत बहुत ही उम्दा आप लोगों ने एनैक्ट किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब लोग आप लोगों को देखेंगे ये पूरा एनैक्ट करते हुए ये रामलीला, तो निश्चित तौर पर उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं गुड न्यूज टुडे के मंच पर राम लक्ष्मण माता सीता हनुमान जी और रावण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और लवकुश रामलीला के ये तमाम किरदार हैं और थोड़ी देर में इनका प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है, लाइव प्रोग्राम शुरू होने वाला है। और जैसा कि गुड न्यूज टुडे यानी कि उत्सव के तमाम रंग समेटे हुए हर साल आपके बीच आता है कुछ नया लेकर और कुछ अनोखा लेकर, तो इस बार भी हमारी यही कोशिश रही है कि इस बार आपके लिए वो तमाम रंग त्योहार के हम समेट कर लेकर आए जिससे कि आपके जीवन में खुशियां भरपूर हो। एक बार जय श्री राम के नारे हो जाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।